हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम आज एक टॉपिक DOL स्टार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। इंडक्शन मोटर जो रहता है, नॉर्मली आप जो खेतों में यूज़ करते हो, इट इज़ ए इंडक्शन मोटर। वो कौन सा मोटर रहता है? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए नॉर्मली आपको स्टार्टर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब स्टार्टर भी बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एंड VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, ठीक है। सभी स्टार्टर का अपना अपना एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। जैसे DOL स्टार्टर कब यूज़ करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर कब यूज़ करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कब यूज़ करेंगे, सबकी एक एक लिमिटेशन होती है। उस लिमिट के बाद वो स्टार्टर काम करना बंद कर देता है। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है DOL स्टार्टर, ये स्टार्टर मेनली कितने HP तक के मोटर के लिए एप्लीकेबल रहता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि DOL स्टार्टर कितने HP तक के मोटर के लिए सुटेबल रहता है या कितने HP के मोटर के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो DOL स्टार्टर 5 HP के मोटर के लिए क्या रहता है? सुटेबल रहता है। जैसे कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें अलग अलग स्टार्टर की आवश्यकता होती है। इंडक्शन मोटर को स्टार्टर लगाने से पहले यह पता करना आवश्यक है कि वह मोटर कितने पावर का है, ठीक है। मतलब कोई सा भी मोटर में यदि स्टार्टर लगाना है तो सबसे पहले उस मोटर की रेटिंग को जानना आपको जरूरी है कि मोटर कितने HP की है और कितने फेज की है, सिंगल फेज की है कि 3 फेज की है। उसके हिसाब से हम स्टार्टर को सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका मोटर 5 HP से नीचे का है, यदि आपका मोटर 5 HP से नीचे का है तो आप कौन सा स्टार्टर यूज करोगे? DOL स्टार्टर, ठीक है। और यदि आपका मोटर 5 HP से ज्यादा का है तो आप कौन सा स्टार्टर यूज करोगे? दैट इज ए स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि स्टार्टर क्या होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टर का वर्क क्या होता है, तो आप ये मत बोलना कि स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आता है। ये टेक्निकल आंसर नहीं होता। स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर मेनली हाई करंट, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है? स्टार्टिंग करंट को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, ना कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए। मोटर तो डायरेक्ट सप्लाई में जोड़ोगे तो भी आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मेनली स्टार्टर का वर्क क्या है? आपके स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, स्टार्टिंग करंट से मोटर को सेव करना, जिससे आपकी मोटर जले नहीं, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कि आपका जो एक 5 HP का 3 फेज का मोटर आता है, वो नॉर्मली कितने एम्पियर का रहता है? 7.5 एम्पियर का रहता है। आपके जो खेत में 5 HP का जो मोटर रहता है वो नॉर्मली 7.5 एम्पियर का रहता है। तो जब ये इसको स्टार्ट किया जाता है, जब किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है, तो अपने नॉर्मल करंट से 5 से 7 गुना करंट ज़्यादा लेता है। जब किसी नॉर्मल इंडक्शन मोटर को आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो वह क्या करेगा? अपने नॉर्मली करंट से 5 से 7 गुना करंट क्या लेगा? ज्यादा लेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने, स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा, एक 3 फेज की 5 HP की मोटर है जिसका फुल लोड करंट कितना है? 7.5 एम्पियर। जिसका फुल लोड करंट कितना है आपका? 7.5 एम्पियर। 7.5 एम्पियर का मतलब ये है कि ये 5 HP की मोटर स्टार्टिंग के टाइम 35 से 50 एम्पियर तक का करंट लेगी। ये जो 5 HP की आपकी मोटर है, जब मोटर को स्टार्ट करोगे तो ये 35 से 50 एम्पियर तक का आपका करंट ले लेगी, ठीक है। अब ज़्यादा करंट लेने से क्या होता है समझना। आपने चीज गौर करा होगा कि जब आप मोटर स्टार्ट करते हो तो आपके घर के जो अदर इक्विपमेंट रहते हैं वो क्या होता है? एकदम से लुप छुप करने लग जाते हैं। आपके जो घर के अदर इक्विपमेंट रहते हैं वो एकदम से फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं, या आपकी लाइट एकदम से बंद होकर चालू होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है, समझिए, कि आपकी मोटर कितने एम्पियर की है? 7.5 एम्पियर की है। जब आपने इस मोटर को स्टार्ट करा तो वो स्टार्टिंग में कितना करंट लेगा? 5 से 7 गुना करंट ज़्यादा लेगा, ठीक है। 5 से 7 गुना करंट का मतलब क्या होता है? वो 35 से 50 एम्पियर तक का करंट लेगा, ठीक है। 35 से 50 एम्पियर तक का करंट लेने के कारण उस लाइन में करंट की रेटिंग बढ़ जाती है। आपके पास जो 3 फेज की लाइन है उसमें करंट की रेटिंग बढ़ जाती है, जिससे वोल्टेज में क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है। जिससे वोल्टेज में क्या होता है आपका? फ्लक्चुएशन होता है। और इसीलिए आपके घर के जो अदर इक्विपमेंट है वो कुछ देर के लिए एकदम फ्लक्चुएटेड हो जाते हैं। जैसे आप मोटर स्टार्ट करते हो तो 1-2 सेकंड के लिए आप देखा होगा, गौर करा होगा कि आपके घर के अदर इक्विपमेंट क्या होते हैं? फ्लक्चुएट हो जाते हैं। किस कारण से होते हैं? इसके स्टार्टिंग करंट के कारण, ठीक है। तो इसी स्टार्टिंग करंट को लिमिट में लाने के लिए हम किसका
यूज करते स्टार्टर का, और स्टार्टर में भी कौन सा, यदि आपकी मोटर 5 HP तक की मोटर है तो आप कौन सा स्टार्टर यूज करोगे, दैट इज ए DOL स्टार्टर। यहां तक फंडा क्लियर हुआ कि स्टार्टर क्या है, स्टार्टर कौन सा यूज करना है और क्यों यूज करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टार्टर DOL स्टार्टर बनाने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टर बनाने के लिए आपको देख रहे हो एक MCCB या MCB, सेकंड आपका कॉन्टेक्टर, थर्ड आपका ओवरलोड रिले, फिर आएगा NC स्विच, NO स्विच, नॉर्मली वायर, पुश बटन। पुश बटन जैसे अपन नॉर्मली देखते होंगे पैनल्स में लगे रहते पुश बटन, तो एक ग्रीन पुश बटन लेना है और एक आपको रेड पुश बटन लेना है। ग्रीन पुश बटन स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं और रेड पुश बटन ऑफ करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि MCB कौन सा सिलेक्ट करोगे आप, कॉन्टेक्टर कौन सा लोगे, ओवरलोड रिले कौन सा लोगे, ओवरलोड रिले होता क्या है, NC स्विच क्या होता है, NO स्विच क्या होता है, और ये पुश बटन का आप सर्किट में कैसे कनेक्शन करोगे वो मैं आपको आज सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं MCB या जिसे हम कहते हैं मेन स्विच। ठीक है, MCB से आप सब लोग परिचित होंगे, जैसे कि आपके घर में मीटर के बाद एक MCB लगाते हैं, मीटर के बाद एक MCB लगाते हैं, वो MCB क्यों लगाते हैं, MCB एक प्रोटेक्शन यूनिट है, एक सेफ्टी डिवाइस है, जो क्या होता है कभी भी यदि आपके लाइन में जैसे बरसात के टाइम दो वायर आपस में क्या होते हैं चिपक जाते हैं, हवा के कारण दो वायर आपस में क्या होते हैं चिपक जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण क्या होगा आपके घर का जो वोल्टेज है वो क्या होगा फ्लक्चुएट होगा, फ्लक्चुएशन के कारण बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट क्या होता है डेवलप होता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट क्या होता है डेवलप होता है, जिससे आपके घर के जो TV है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये अदर इक्विपमेंट क्या होते हैं खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो इन ज्यादा करंट से बचाने के लिए आप क्या करते हो, आपके मीटर के बाद में, आपके घर का जो मीटर है उसके बाद में आप क्या लगाते हो, एक MCB लगाते हो। ठीक है, आपके घर के मीटर के बाद में क्या लगाते हो, एक MCB लगाते हो। ठीक है, MCB की सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर MCB तो है कि MCB एक प्रोटेक्शन यूनिट है, एक सेफ्टी डिवाइस है, अब MCB को अपन कैसे सिलेक्ट करें, कि दुकान में जाके ये थोड़ी बोलेंगे कि एक MCB दे दो, दुकानदार आपसे सबसे पहले पूछेगा कि MCB कितने पोल की चाहिए और कितने एम्पियर की चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ मार्केट में लाने जाते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दुकानदार को बताना पड़ता है, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप MCB खरीदने गए मार्केट में, तो MCB डायरेक्ट जाके आप दुकानदार को ये तो नहीं बोलोगे कि एक MCB दे दो, आप बोलोगे कि मुझे 16 एम्पियर के 3 पोल का MCB दे दो, 5 एम्पियर का 2 पोल का MCB दे दो, 5 एम्पियर का सिंगल पोल का MCB दे दो। ठीक है, मतलब दो चीज़ें आपको इंडिकेट करके सामने वाले को बतानी पड़ेगी कि पहला कौन सा, एक तो एम्पियर, दूसरा कौन सा पोल। पोल का मतलब होता है जैसे आपके पास सिंगल फेज सप्लाई आई है, समझना बात को, जैसे आपके पास कौन सी सप्लाई आई है, सिंगल फेज सप्लाई आई है, सिंगल फेज में कितने वायर रहते हैं, दो वायर, एक फेज वायर एक न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो उस केस में आप डबल पोल MCB लोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास कितने वायर अवेलेबल है, दो वायर अवेलेबल है, तो उस केस में आप 2 पोल MCB लोगे। ठीक है, नॉर्मली जब 3 फेज की बात आती है तो 3 फेज में कहीं कहीं डायरेक्ट 3 फेज यूज किया जाता है, और कहाँ अदर जैसे आटा चक्की की मशीन होती है या फिर हाई HP की मशीन होती है, वहाँ 3 फेज के साथ एक न्यूट्रल भी यूज किया जाता है, 3 फेज के साथ एक न्यूट्रल भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप दुकानदार को बोलोगे मुझे 3 पोल MCB चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 3 पोल MCB चाहिए। तो सबसे पहले MCB का सिलेक्शन किस बेस पे होता है, MCB का सिलेक्शन होता है एम्पियर बेस पे। ठीक है, MCB का सिलेक्शन कितने किस पे होता है, एम्पियर बेस पे। जैसे यदि आपकी 7.5 एम्पियर की मोटर है तो आप उससे दो गुना 15 एम्पियर तक की MCB आप लोगे उससे। बात समझ में आया, MCB का सिलेक्शन करंट की रेटिंग के हिसाब से होता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है कि इनकमिंग पावर सप्लाई, क्या लिखा है, इनकमिंग पावर सप्लाई ऑन ऑफ के लिए DOL स्टार्टर में एक मेन स्विच रहता है। ठीक है, MCB, MCCB और MPCB या SFU, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्विच यू फ्यूज यूनिट। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये होता है स्विच फ्यूज यूनिट। ठीक है, इसे बोलते हैं HRC फ्यूज, इसे बोलते हैं HRC फ्यूज। MCB,
एमसीसीबी और एमपीसीबी, ये तीनों अलग अलग चीज होती है। समझना क्या चीज होती है, सबसे पहले मैं यदि एमसीबी की बात करूं तो 60 एम्पियर तक आपका एमसीबी यूज होता है। 60 एम्पियर से ज्यादा करंट आ रहा है तो उसके बाद आप क्या यूज करोगे, एमसीसीबी यूज करोगे। ठीक है, 60 एम्पियर तक आपको एमसीबी मिल जाएगी। 60 एम्पियर से ऊपर आप चले गए तो वहां आपको क्या लेना पड़ेगा, एमसीसीबी लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर 150 एम्पियर तक, 150 एम्पियर तक आपकी एमसीसीबी मिलती है। 150 एम्पियर तक आपको एमसीसीबी मिलती है। 150 के ऊपर यदि आपका करंट है तो आप क्या लोगे, एमपीसीबी। तो आप क्या लोगे, एमपीसीबी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कितनी कैपेसिटी का मोटर है, वही वाली बात कि सबसे पहले एमसीबी कैसे सिलेक्ट करोगे, उसकी नेम प्लेट की रेटिंग पढ़ोगे कि वो कितने एचपी का है और उसमें कितने एम्पियर करंट आ रहा है। हमें मोटर में कौन से प्रोटेक्शन चाहिए, हमारा बजट कितना है, बजट भी आता है उसमें। उसमें एक किलो एम्पियर का भी एक आता है, जितना ज़्यादा किलो एम्पियर रहेगा आपकी एमसीबी का रेट उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा किलो एम्पियर की एमसीबी रहेगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके आधार पे सिलेक्शन किया जाता है। मेन स्विच के आउट गोइंग में पावर सप्लाई पावर कनेक्टर के इनकमिंग साइड में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, देखना पिछली स्लाइड में, देखो एक बार मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। आपको एमसीबी चाहिए, ये आपका एमसीबी है। ठीक है, एमसीबी के बाद क्या कनेक्ट करेंगे, कॉन्टेक्टर कनेक्ट करेंगे। कॉन्टेक्टर भी बताऊंगा क्या चीज होता है। कॉन्टेक्टर के बाद आप क्या कनेक्ट करोगे, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले, ठीक है, ये तीन चीजें समझ में आ गई। तीन चीजें कैसे लगेगी, सबसे पहले आपका एमसीबी लगेगा, एमसीबी के बाद क्या लगेगा आपका कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर के बाद क्या लगेगा आपका ओएलआर। ठीक है, ये जो है आपका एनसी स्विच, एनओ स्विच, ये कंट्रोल वायरिंग में यूज होती है। ये कंट्रोल वायरिंग में यूज है, जिससे कि आपको पता है कि आपके मोटर में दो टाइप की वायरिंग होती है, या किसी भी स्टार्टर में दो टाइप की वायरिंग होती है। एक होती है पावर वायरिंग, दूसरी होती है कंट्रोल वायरिंग। ठीक है, कंट्रोल वायरिंग में हम यूज करेंगे एनओ एनसी का। मैं क्लियर करके बताऊंगा कि एनओ क्या होता है और एनसी क्या होता है। ठीक है, तो एमसीबी तक क्लियर हो गया आपको। ठीक, एमसीबी के बाद आता है आपका कॉन्टेक्टर। एमसीबी के बाद क्या आता है, कॉन्टेक्टर। तो ये आपको ये इमेज डिस्प्ले हो रहा होगा, ये इमेज है आपके कॉन्टेक्टर का। जैसे कि आप मार्केट में जाओगे तो कॉन्टेक्टर आपको इस जैसा दिखता है। ठीक है, एमसीबी के जैसा नहीं दिखता है, ये है कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर आपको इसके जैसा दिखेगा। तो सबसे पहले कोई सा भी इक्विपमेंट हो उसकी टर्मिनल की जानकारी होना चाहिए एज ए इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, आप यदि इलेक्ट्रिशियन हो या कोई इंजीनियर हो तो आपको उस इक्विपमेंट की टर्मिनल की जानकारी होना चाहिए कि ये टर्मिनल है तो ये टर्मिनल किस लिए दिया गया है और इस टर्मिनल में हम कौन सा वायर जोड़ेंगे। ठीक है, एज ए इलेक्ट्रिशियन आपको इक्विपमेंट लेने के बाद उसकी टर्मिनल की जानकारी होना जरूरी है, अदरवाइज आप उसमें फॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्टर की पहचान के लिए मैंने आपको इमेज डिस्प्ले करा है। ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये ओरिजिनल कॉन्टेक्टर की इमेज होती है। मार्केट में आप जाओगे तो इस टाइप का आपको कॉन्टेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्टर में कौन कौन से पॉइंट होते हैं समझना। पहली बात, कॉन्टेक्टर का यूज क्यों करते हैं, कॉन्टेक्टर का यूज क्यों करते हैं। मोटर को मेन सप्लाई से, सप्लाई को एमसीबी से मोटर तक पहुंचाने के लिए, सुनना मेरी बात, सप्लाई जो आपकी थ्री फेज सप्लाई है या सिंगल फेज सप्लाई है, तो करंट को एमसीबी से मोटर तक पहुंचाने के लिए जो बीच का रिलेशन डेवलप करता है, वो रिलेशन कौन डेवलप करके देता है आपको, कॉन्टेक्टर डेवलप करके देता है। ठीक है, कॉन्टेक्टर दो चीजों के बीच में क्या लगाता है, कॉन्टेक्ट बनाता है, दो चीजों के बीच में एक ज्वाइंट बना के देता है आपको। ठीक है, इसको यदि टेक्निकली बात करा जाए तो सुनना क्या लिखा है, पावर सर्किट मेन स्विच के बाद पावर कॉन्टेक्टर का उपयोग होता है। सही बात है, पावर सर्किट के मेन स्विच के बाद, मेन स्विच मतलब आपने एमसीबी लगा दिया, एमसीबी के नीचे आप क्या लगाओगे, कॉन्टेक्टर लगाओगे। ठीक है, पावर सप्लाई मेन स्विच के बाद कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इनकमिंग क्या चीज होती है समझना। ये ऊपर के जो तीन होल दिख रहे, ये तीनों होल होते हैं इनकमिंग होल। ठीक है, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा L1 L2 L3 L1 L2 L3 मतलब ये है इसके इनकमिंग, मतलब आप रेड वाला वायर यहां लगाओगे, येलो वाला वायर यहां लगाओगे, ग्रीन वाला वायर यहां लगाओगे। ठीक है, ये दिख रहा होगा, देखिए ये जो आपको तीन होल दिख रहे, ये तीनों होल मैंने अलग से यहां पर डिस्प्ले कर दिए। ठीक है, ये इनकमिंग हो गया। उसके बाद क्या लिखा है,
आउटपुट से ओवरलोड रिले के इनकमिंग में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसका जो आउटपुट निकलेगा, जैसे आउटपुट कौन सा है इसका, L1, L2, L3, तो इसका इनपुट हो गया T1, T2, T3, क्या है इसका आउटपुट। ये कहाँ दिखेगा, ये देखो आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो तीन टर्मिनल है ये आपके क्या है आउटपुट, ये आपके तीन टर्मिनल है, ये क्या है आपके आउटपुट, ठीक है। तो इनकमिंग वाले कनेक्शन ऊपर से लगाओगे, आउटगोइंग वाले कनेक्शन नीचे से लगाओगे, क्लियर है। और यहाँ से जो कनेक्शन निकलेगा वो आप काय में जोड़ोगे, OLR, ओवरलोड रिले, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ। उसके बाद किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए आपको सप्लाई देनी पड़ती है। जैसे मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्टर MCB और मोटर को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो MCB और मोटर को कनेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को खुद भी एक चार्ज की जरूरत होती है, जिससे वो खुद काम कर सके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को चार्ज करने के लिए एक अलग से सप्लाई देनी पड़ती है। वो सप्लाई आप कहाँ पर दोगे, उसके A1 A2, जिसे बोलते हैं कॉइल टर्मिनल, इसे क्या बोलते हैं टेक्निकली भाषा में, कॉइल टर्मिनल। तो कॉन्ट्रेक्टर को खुद को चलाने के लिए एक इंडिविजुअल सप्लाई दी जाती है, जिसे बोलते हैं हम A1 A2, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये है आपका A1 A2, मतलब यहाँ पर आप कॉन्ट्रेक्टर को चालू करने के लिए, कॉन्ट्रेक्टर को खुद चालू करने के लिए यहाँ पर आप A1 A2 की क्या दोगे, सप्लाई दोगे। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, NO और NC। NO NC को क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। अब NO NC को ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट किस लिए बोला जाता है, समझिए। यदि आप चाहते हो कि आपके कॉन्टेक्टर से कोई दूसरा सर्किट ऑपरेट करना हो, सुनना ध्यान से, किस लिए NO NC का यूज किया जाता है, आपके कॉन्टेक्टर से आपको दूसरे सर्किट को कनेक्ट करना है, तो आप किससे कनेक्ट करोगे, आप उस NO NC से उस सर्किट को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। बात समझ में आ रहा है, एक कॉन्टेक्टर से दूसरे सर्किट को ऑपरेट करने के लिए आप NO NC का यूज करोगे। क्लियर हो गया, कॉन्टेक्टर पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पावर सर्किट मेन स्विच के बाद पावर कनेक्टर का उपयोग होता है। पावर सप्लाई मेन स्विच के बाद कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में कनेक्ट किया जाता है। पहले इनकमिंग में लगाओगे, जो MCB से आया उसको कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में लगाया जाता है, और कॉन्टेक्टर के आउटपुट को ओवरलोड रिले के इनकमिंग में लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने बोला था, कॉन्टेक्टर को खुद को ऑपरेट करने के लिए एक ऑक्सिलरी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जो कंट्रोल सप्लाई के रूप में होती है, ठीक है। उस सप्लाई को क्या बोलोगे आप, कंट्रोल सप्लाई, जो कि 110 वोल्ट का भी होता है या 230 वोल्ट, ये आपको कॉन्टेक्टर में लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपकी ऑक्सिलरी सप्लाई कितने वोल्ट की होनी चाहिए, ठीक है। पावर कॉन्टेक्टर के साथ ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है, NO और NC भी रहता है, ठीक है। ये NO NC भी रहता है, ठीक। पावर कॉन्टेक्टर के साथ NO NC रहता है, ठीक है, जिसे ऑन ऑफ इंटरलॉकिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। इंटरलॉकिंग मतलब वही वाली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कॉन्टेक्टर से आपको दूसरे सर्किट को ऑपरेट करना है, तो दोनों के बीच में क्या बनाना पड़ेगा आपको, इंटरलॉकिंग बनाना पड़ेगा। दोनों के बीच में आपको क्या बनाना पड़ेगा, इंटरलॉकिंग बनाना पड़ेगा, ठीक। तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, NO NC का यूज करोगे, ठीक है। कॉन्टेक्टर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट रहता है, NO और NC का उपयोग इंडिकेशन और ऑन ऑफ के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने अधिकतर कभी देखा होगा कि आप ग्रीन वाला पुश बटन दबाते हो तो आपके जो पैनल बोर्ड रहता है उसमें रेड कलर की लाइट जल जाती है या ग्रीन कलर की लाइट जल जाती है, ठीक है। तो ये जो LED, जो आपका जो इंडिकेशन लैंप रहता है, वो इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन भी किससे होता है, NO NC से होता है। वो इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन भी किससे होता है, NO NC से होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, कि कॉन्टेक्टर क्या होता है, NO NC किस लिए यूज किया जाता है। NO NC मेनली इंटरलॉक, इंटरलॉक का मतलब हमारी देसी भाषा में होता है एक सर्किट की सहायता से दूसरे सर्किट को चालू या बंद करना। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए। उसके बाद आता है आपका ओवरलोड रिले, ठीक है। ओवरलोड रिले, सबसे पहले रिले होता क्या है, रिले एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो आपके इक्विपमेंट को हाई करंट से बचाता है। बात समझ में आ रहा है, रिले एक सेफ्टी डिवाइस होती है, एक सुरक्षा
उपकरण होता है या प्रोटेक्शन उपकरण होता है जो मोटर को हाई करंट, ओवरलोड का मतलब होता है हाई करंट से मोटर को बचाता है। ठीक है, जो देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, जो मोटर को सुरक्षा देने के काम करता है। रिले में दो अलग अलग धातु की स्ट्रिप होती है। ठीक है, रिले की यदि बात करें तो रिले में दो अलग अलग धातु की स्ट्रिप होती है जो लोड के साथ टेम्परेचर से एक्सपांशन और संकोचन होता है। ठीक है, जैसे इसको अच्छे से समझा जाए तो रिले के अंदर दो धातु की पत्ती होती है। ठीक है, जैसे उस रिले में करंट जाएगा वो धातु में क्या होगा, या तो एक्सपांशन मतलब फैलाव होगा या तो संकुचन मतलब कंप्रेशन होगा। बात समझ में आ रहा है, एक्सपांशन मतलब होता है फैलाव या संकुचन मतलब होता है कंप्रेशन। ठीक है, तो आपको नॉर्मली पता है कि किसी भी धातु में यदि ज्यादा करंट देते हैं, समझना बात को, किसी भी धातु में यदि ज्यादा करंट देते हो तो पिघल जाता है। जैसे आपके घर का फ्यूज है तो फ्यूज में ज्यादा करंट आते से आपका फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज कैसे उड़ता है, फ्यूज उड़ता नहीं है, वो तार क्या होता है टूट जाता है। ठीक है, तार क्या होता है टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा एम्पियर ऑफ करंट जाता है, उसमें ज्यादा एम्पियर करंट जाता है। ज्यादा एम्पियर करंट जाने से क्या होता है, वो जो धातु रहती है वो गर्म हो जाती है। ज्यादा करंट जाने से क्या होता है, वो धातु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद एक लिमिट के बाद वो क्या होती है, पिघल के टूट जाती है। धातु गर्म होने के बाद एक लिमिट के बाद पिघल के क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि आपके OLR में दो धातु की स्ट्रिप होती है जिसमें करंट जाने से उसमें एक्सपांशन होगा या फिर संकुचन होगा। क्लियर हो गया। रिले में मोटर की रेटिंग के हिसाब से एम्पियर की सेटिंग की जाती है। ठीक है, अब समझना, देखिए इसमें दो स्विच दिख रहे हैं, ये स्विच दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो स्विच होते हैं, ये स्विच होते सेटिंग स्विच बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको, सेटिंग। अब मार्केट में OLR लाने जाओगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, मार्केट में कभी भी OLR लाने जाओगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये जो आपका दिख रहा है ब्लू कलर में, इसे बोलते हैं करंट सेटिंग। ठीक है, करंट सेटिंग मतलब आपका मोटर यदि 7.5 एम्पियर का है तो इस रिले को 7.5 से थोड़ा ज़्यादा एम्पियर में सेट कर दो। ठीक है, बाय स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको 7.5, वो सेटिंग स्क्रू ड्राइवर से हम कर सकते हैं, उसको घुमा के इसकी सेटिंग हम बदल सकते हैं। तो जैसे कि आपका मोटर यदि 7.5 एम्पियर का है तो आप रिले की सेटिंग 7.5 एम्पियर से थोड़ा ज़्यादा रखोगे, 7.5 एम्पियर से थोड़ा ज़्यादा रखोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, यदि उससे ज्यादा करंट प्रभाव हो जाता है, जैसे 7.5 एम्पियर से यदि ज्यादा करंट प्रभाव हो जाता है तो रिले का पावर सर्किट जो मोटर को अलग कर देगा। ठीक है, तो रिले क्या हो जाएगा, आपका मोटर को अलग कर देगा, मतलब उसे बोलते हैं रिले ट्रिप हो गया, सुना होगा ना, ट्रिप फॉल्ट। रिले क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, वो सर्किट को क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। यदि आपके लाइन में 7.5 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा तो रिले क्या करेगा, ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने का मतलब वो मोटर को क्या कर देगा, सप्लाई से डिसकनेक्ट कर देगा, और जिससे आपकी मोटर जलने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ठीक है, जिससे मोटर से होने वाले नुकसान से इसको बचाया जा सकता है। क्लियर हो गया। रिले का NC कांटेक्ट ट्रिपिंग के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, थीके? इस रिले में भी आपको दो कांटेक्ट दिख रही है, देखिए ये है आपका NO कांटेक्ट, ये दोनों है आपका NO कांटेक्ट, और ये है आपका NC कांटेक्ट। ठीक है, ये दोनों है आपका NO कांटेक्ट और ये दोनों है आपका NC कांटेक्ट। ठीक है, ये है आपका मेन सप्लाई, जैसे इसको इनकमिंग, यहाँ से आप 3 सप्लाई इनकमिंग दोगे और यहाँ से 3 सप्लाई क्या निकलेगी आपकी, आउटगोइंग। 3 सप्लाई क्या निकलेगी, आउटगोइंग। जहाँ तक फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, NO NC भी हो गया, ये हो गया आपका इनकमिंग और ये हो गया आपका आउटगोइंग। क्लियर है, चलिए आगे देखते। इसके बाद बात करते हैं पुश बटन। मोटर को चालू करने के लिए बटन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम आमतौर पे पुश बटन का यूज करते हैं। पुश बटन क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा पुश बटन को जब प्रेस करते हैं तो वो प्रेस करने के बाद वापस रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बटन जो एक बार प्रेस करने के बाद वापस रिटर्न आ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पुश बटन कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पुश बटन। दो टाइप के बटन होते हैं, समझना, दो टाइप के स्विच या बटन होते हैं। एक तो आपने प्रेस कर दिया तो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, और एक बार जब प्रेस करोगे तो वो बाहर आएगा। ठीक है, और एक किस टाइप के बटन रहते हैं, जैसे आप प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, तो उसे हम कहते हैं पुश बटन। ठीक है,
तो पहले दो टाइप के पुश बटन यूज करेंगे, एक स्टार्ट के लिए, जैसे आपने देखा होगा दो बटन होता है आपके मोटर चालू करने के लिए, एक स्टार्ट बटन होता है एक स्टॉप बटन होता है, ठीक है। तो स्टार्ट के लिए नॉर्मली स्टार्ट पुश बटन का यूज किया जाता है, और स्टार्ट पुश बटन आपका ग्रीन कलर का आता है, ठीक है। नॉर्मली स्टार्ट पुश बटन ग्रीन कलर का आता है, ठीक है, और स्टार्ट पुश बटन हमेशा एनो का रहता है। सुनना मेरी बात, स्टार्ट पुश बटन हमेशा किसका रहता है? एनो का रहता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्या लिखा है देखना, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आमतौर पे ग्रीन कलर का रहता है, और स्टार्टर को फ्रंट साइड पे रहता है, ठीक है, मतलब आपके पैनल के ऊपर लगा हुआ रहता है। इंडस्ट्री में उपकरण के पास स्टॉप पुश बटन के साथ रहता है, ठीक है, जहाँ से मोटर को क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो समझने वाली बात ये है कि आप मार्केट में यदि स्टार्ट पुश बटन लाने जाओगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और स्टार्ट पुश बटन क्या होता है? एनो कॉन्टेक्ट होता है। स्टार्ट पुश बटन क्या होता है? एनो कॉन्टेक्ट होता है। और स्टॉप पुश बटन क्या होता है? एनसी कॉन्टेक्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनो और एनसी क्या चीज़ होती है, एनो और एनसी क्या चीज़ होती है। एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, ध्यान से सुनना, एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, और एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। क्लियर है? अब नॉर्मली ओपन का मतलब जब आप उस पुश बटन को प्रेस नहीं करते हो तब तक आपका सर्किट क्या है? नॉर्मली ओपन। जैसे यदि मैं स्टार्ट पुश बटन की बात करूं तो स्टार्ट पुश बटन नॉर्मली क्या रहेगा? ओपन। स्टार्ट पुश बटन नॉर्मली क्या रहेगा? ओपन। जैसे आप इस पुश बटन को प्रेस करोगे, जैसे आप इस पुश बटन को प्रेस करोगे, तो ये जो एनओ है वो क्या बन जाएगा? एनसी। मतलब ये सर्किट जो ओपन है वो क्या हो जाएगा? क्लोज। तो क्लोज सर्किट को बोला जाता है एनसी, ओपन सर्किट को बोला जाता है एनओ। बात समझ में आया? ओपन सर्किट को क्या बोला जाता है? एनओ, और क्लोज सर्किट को क्या बोला जाता है? एनसी। ठीक है, तो आपका जो पुश बटन रहता है वो नॉर्मली कैसा रहता है? एनओ वाला रहता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको तो सप्लाई देनी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में आपको सर्किट क्या चाहिए? ओपन चाहिए। जैसे आप स्टार्ट का बटन दबाओगे उसके बाद आपका सर्किट चालू होना चाहिए, तो इसलिए स्टार्ट पुश बटन क्या रहता है? एनओ रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉप पुश बटन की। तो स्टॉप पुश बटन क्या लिखा है? पुश बटन इंडस्ट्री में पुश बटन इलेक्ट्रिक पैनल पे रहता है, ठीक है, पैनल बोर्ड पे आपको पुश बटन देखने को मिलता है, ठीक। यह पुश बटन कंट्रोल सप्लाई के सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, स्टॉप पुश बटन को कंट्रोल सप्लाई के सीरीज में लगाते हैं। अभी मैं आपको कनेक्शन करना बताऊंगा, कनेक्शन में आप समझ में आ जाएगा कि कैसे सीरीज में लगाओगे। तो स्टार्ट पुश बटन को आपको सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, जब भी हमारे मोटर को बंद करना चाहे तो उस पुश बटन को प्रेस कर दो। सिंपल सी बात है, जैसे मोटर को बंद करना है तो क्या करोगे आप? रेड पुश बटन को दबा दोगे तो आपका मोटर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। मेनली पुश बटन का कनेक्शन कंट्रोल सप्लाई में किया जाता है, कंट्रोल वायरिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था दो टाइप की वायरिंग होती है, एक होता है आपका पावर वायरिंग, दूसरा होता है आपका कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। तो ये जो पुश बटन है इनके कनेक्शन कहाँ पर होते हैं? इनके कनेक्शन होते हैं आपके कंट्रोल वायरिंग में। इनके कनेक्शन कहाँ पर होंगे? आपके कंट्रोल वायरिंग में, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है? और मोटर को पावर मिलना बंद हो जाता है, जिससे मोटर क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। सिंपल सी बात है, मोटर का बटन दबाओगे, जैसे स्टॉप का बटन दबाओगे तो सर्किट को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। सर्किट ब्रेक होने से मोटर में सप्लाई आना बंद हो जाएगी, तो जिससे आपकी मोटर क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। सिंपल। आगे देखते हैं, अब थोड़ा इसका कनेक्शन समझते हैं कि आप पुश बटन का कनेक्शन कैसे करोगे, ठीक है, अब पुश बटन का कनेक्शन कैसे करोगे। देखिए, ये आपका मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, ये आपका कौन सा कॉन्टेक्टर है? आपका जो कॉन्टेक्टर दिखाता है वही वाला कॉन्टेक्टर है। ये आपका स्टार्ट स्विच और ये आपका स्टॉप स्विच है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि स्टॉप स्विच को सीरीज में लगाते हैं, स्टॉप स्विच को सीरीज में लगाते हैं। तो सुनना, ये है आपका स्टॉप, स्टॉप से ये वायर लिया आपने, लाइन वायर, पावर वायर, ये इस टर्मिनल पे लगाया, इस टर्मिनल से निकाल के आपने क्या करा? इस एनओ के इस पॉइंट पे लगाया, एनओ के इस पॉइंट पे लगाया, ठीक है। और स्टॉप पुश बटन को भी एनओ के इस पॉइंट पे लगाया, ठीक है, मतलब दोनों को आपने कहाँ पर लगाया? कॉन्टेक्टर के एनओ पे लगाया, ठीक है। दोनों पुश बटन को आपने कहाँ पर लगाया? एनओ के कॉन्टेक्टर के एनओ पे लगाया, ठीक है। ये एनओ स्टार्ट स्विच पैरेलल में लगता है, सुनना मेरी बात, स्टार्ट स्विच पैरेलल में लगता है, स्टॉप स्विच सीरीज में लगता है। दो बातें क्लियर करना, स्टार्ट स्विच पैरेलल
पैरेलल में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, स्टॉप स्विच को सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका कनेक्शन और इसके वर्किंग प्रोसेस। सबसे पहले देखिए इसका कनेक्शन मैं बता देता हूँ। पहले दो वायरिंग होती है, एक होता है पावर वायरिंग, एक होती है कंट्रोल वायरिंग। क्लियर है यहाँ तक? पावर वायरिंग में क्या होता है, नॉर्मली आपका MCB, ओवरलोड रिले और कॉन्टेक्टर। ठीक है, MCB, ओवरलोड रिले और क्या रहता है आपका कॉन्टेक्टर, उसके बाद आप मोटर को कनेक्ट कर देते हो। देखिए इस तरीके से MCB, ठीक है, कॉन्टेक्टर और इसी के नीचे लगा रहता है आपका OLR। इसी के नीचे क्या लगा रहता है आपका OLR, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा MCB, कॉन्टेक्टर और OLR। ठीक है, तो ये होती है आपकी पावर वायरिंग, ये जो होता है आपका पावर वायरिंग होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका कंट्रोल वायरिंग, ये क्या होती है आपकी कंट्रोल वायरिंग। ठीक है, आइए उसी सर्किट पर वापिस आते हैं। तो पावर वायरिंग सिंपल होती है, पावर वायरिंग कुछ नहीं, जैसे आपके थ्री फेज है तो थ्री फेज को सबसे पहले MCB के इनपुट में दोगे। ठीक है, फिर MCB के आउटपुट से तीन वायर निकलेंगे, इन तीनों वायर को आप क्या करोगे, कॉन्टेक्टर के इसमें दोगे, कॉन्टेक्टर के L1, L2, L3 में दोगे। फिर कॉन्टेक्टर के आउटपुट में से तीन वायर निकलेगा, T1, T2, T3। ठीक है, फिर इस T1, T2, T3 को आप काय में जोड़ोगे, OLR, OLR में जोड़ोगे, OLR के तीन इनपुट होंगे और तीन आउटपुट, तो जो OLR का आउटपुट होगा उसको आप काय में जोड़ोगे, इस मोटर में जोड़ दोगे, इस मोटर में जोड़ दोगे। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। मोटर भी दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। तो जिसका मैं अलग से एक लेक्चर बना के समझा दूंगा कि मोटर को स्टार कनेक्ट कैसे किया जाता है और मोटर को डेल्टा कनेक्ट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब पावर वायरिंग को समझते हैं, पावर वायरिंग समझते हैं। पावर वायरिंग के लिए क्या करा समझना, इसको इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इसमें से क्या करा उसने, तीनों फेज में से कोई सा भी एक फेज लिया, तीनों फेज में से कोई सा भी एक फेज लिया, इसे बोलते हो आप कंट्रोल MCB। इसे क्या बोलते हो आप, कंट्रोल MCB। ठीक है, आपके मोटर की सेफ्टी के लिए आपने अलग से कंट्रोल MCB लगाया, इसको यदि नहीं लगाओ तो भी सर्किट काम करता है। ठीक है, ये आपका पुश बटन, कौन सा पुश बटन है, रेड कलर का है, तो रेड कलर का मतलब ये स्टॉप पुश बटन है। तो आप देख सकते हो कि ये काय में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, ये काय में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, तो स्टार्ट पुश बटन काय में लगता है, सॉरी स्टॉप पुश बटन काय में लगता है, सीरीज में। और ये जो आपका स्टार्ट पुश बटन है, ये आपका काय में लगता है, पैरेलल में। तो देख सकते हो, देखिए ये होता है पैरेलल कनेक्शन, ये दिख रहा है, ये एक कनेक्शन गया, ये और एक कनेक्शन गया, तो ये इसका कौन सा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है, अब ये वर्किंग कैसे करता है समझिए। ठीक है, पहला देखिए कैसे ऑपरेट होता है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। मोटर चालू करने के लिए जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो पुश बटन ऑन, पुश बटन का NO, कॉन्टेक्ट क्या बन जाता है, NC बन जाता है। सिंपल सी बात है, देखना जैसे आप पुश बटन, जैसे मोटर आपको चालू करना था, आप स्टार्ट पुश बटन को दबाओगे, स्टार्ट पुश बटन नॉर्मली क्या होता है, NO होता है, मैं आपको बता के आ रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप उसको प्रेस करोगे तो ये NO क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, समझना। इस पुश बटन को आपने प्रेस करा तो ये NO क्या बन गया आपका, NC बन गया, ये NO क्या बन गया आपका, NC। तो यहाँ से जो करंट है वो सीधा आप मोटर तक आ सकता है, यहाँ से जो करंट है सीधा आप मोटर से आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखा है, जहाँ से यह कंट्रोल सप्लाई, मतलब जो यहाँ से करंट पावर कॉन्टेक्टर के कॉइल को मिल जाता है, पावर कॉन्टेक्टर के कॉइल, पावर कॉन्टेक्टर का कॉइल मतलब A1 A2, पावर कॉन्टेक्टर का कॉइल मतलब A1 A2। देखिए ये वाला, ये रहा पावर, जैसे आपने स्टार्ट बटन पुश करा तो यहाँ से ये जाता है, ये यहाँ पर A1 A2 लगा रहता है इसका। ठीक है, तो इस A1 A2 में वो सप्लाई, ये रहा A1 A2, देखिए इस A1 A2 में ये आपने स्टार्ट पुश बटन दबाया तो यहाँ से करंट डायरेक्ट A1 A2 में आता है। ठीक है, A1 A2 में जैसे ही आएगा आपका कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, पिकअप हो जाएगा, आपका कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, पिकअप हो जाएगा। कॉन्टेक्टर पिकअप होने का मतलब जो कॉन्टेक्टर का NO है वो क्या बन जाएगा, NC, और जो कॉन्टेक्टर का NC है वो क्या बन जाएगा, NO। सुनना क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब एक बार कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाता है उसके बाद कॉन्टेक्टर का NO NC में बदल जाता है और NC NO में बदल जाता है। ठीक है, कब, आफ्टर सप्लाई, सप्लाई के बाद। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, जहाँ से कंट्रोल सप्लाई पावर कॉन्टेक्टर के कॉइल में
जाता है और उसको एनर्जाइज कर देता है, मतलब A1 A2 में जाएगा, तो जिससे कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा आपका पिकअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, पावर कॉन्टेक्टर के पिकअप होते ही ओवरलोड रिले से होकर, पावर कॉन्टेक्टर पिकअप होते ही ओवरलोड रिले से होकर सप्लाई किसके पास जाती है, मोटर के होकर मोटर को सप्लाई जाती है। देखिए ये आपका कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के नीचे क्या लगा रहता है आपका OLR, तो जैसे आपका कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो ये जो पावर सप्लाई मतलब ये जो करंट है ये OLR से होते हुए आपके मोटर पे आ जाएगी, OLR से होते हुए आपके कहाँ पर आ जाएगी, मोटर पर आ जाएगी। यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद क्या लिखा है उसने, साथ ही पावर कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट चेंज हो जाते हैं, पावर कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट समझना, पावर कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट कौन से होते हैं, NO और NC, दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होते हैं, तो ये NO NC क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज होने का मतलब ये NO क्या बन जाएगा अब NC बन जाएगा और ये NC क्या बन जाएगा अब NO बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक। आगे समझो, स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का NO लगा रहता है, ठीक है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का क्या लगा रहता है, NO। ये देखिए ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है उसका जो NO है, ये देखना ये NO है, ये NO किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्टार्ट पुश बटन के साथ जुड़ा हुआ है, स्टार्ट पुश बटन के साथ जुड़ा है ना, तो जैसे आपने स्टार्ट पुश बटन को पुश करोगे तो ये NO क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, ये NO क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। देखना ये कॉन्टेक्टर का NO है, ये कॉन्टेक्टर का NO क्या बन जाएगा, NC, कब, जब सप्लाई आएगी A1 A2 पर, ठीक है, तो ये NC आएगा, तो अब सप्लाई आपका यहाँ से होते हुए देखना यहाँ से आएगा, ठीक है। अब आपका जो मोटर पे सप्लाई कहाँ से आएगी समझना, इसका कनेक्शन पैरेलल में क्यों करा, क्योंकि जब आप मोटर को स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तो जैसे प्रेस करोगे NC रहेगा, तो जैसे प्रेस करते टाइम तो आपका करंट नीचे तक आएगा, लेकिन जैसे आप प्रेस करना छोड़ दोगे तो आपका ये फिर से NO हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पुश बटन तो फिर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या करी, इंटरलॉकिंग करी, उस केस में हमने क्या करा, इंटरलॉकिंग। अब आपको इंटरलॉकिंग का मतलब समझ में आएगा, अब आपने क्या करा, इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का NO का कनेक्शन इस NC स्टार्ट बटन से करा, इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के NO का कनेक्शन इस स्टार्ट से करा, क्योंकि जब आप स्टार्ट को दबा के छोड़ दोगे तो उस टाइम आपका करंट इस कॉन्टेक्टर के NO से होते हुए, इस कॉन्टेक्टर के NO से होते हुए यहाँ तक आएगा, ठीक है। NO का मतलब जब आपका कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा तो ये NO क्या बन जाएगा, NC, मतलब ये अभी तो ओपन है लेकिन जैसे कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये NO क्या बन जाएगा आपका, NC बन जाएगा, मतलब ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, तो उस केस में आपका करंट यहाँ से डायरेक्ट मोटर पर आ जाएगा। क्लियर है, वही चीज़ लिखा है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के NO रहता है, ठीक है, जो कॉन्टेक्टर पिकअप होने के बाद क्या बन जाता है, NC बन जाता है, वही चीज़ बोला, कॉन्टेक्टर का जो NO है पिकअप होने के बाद क्या बनेगा, NC, और वहां से कॉन्टेक्टर को क्या मिलती है, कंट्रोल सप्लाई। ये देखिए यहां से कॉन्टेक्टर को क्या मिलती है, फिर कंट्रोल सप्लाई, क्योंकि यहां से आपने क्या बना दिया, इसको लूप बना देते हो, ठीक है। इसलिए स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद आपका मोटर चालू रहता है, वही चीज बताया मैंने कि स्टार्ट पुश बटन को जब आप छोड़ोगे तब भी आपका मोटर क्या रहता है, चालू रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि आपने स्टार्ट पुश बटन का कनेक्शन किससे करा, कॉन्टेक्टर के NO से करा, ठीक है। और कॉन्टेक्टर का NO सप्लाई देने के बाद क्या बन जाता है, NC, जिससे आपकी सप्लाई उस लाइन में आ जाती है। क्लियर हो गया, इसे हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग मतलब दो सर्किट को NO NC से कनेक्ट करना, या एक सर्किट की हेल्प से दूसरे सर्किट को चालू करना। क्लियर है, चलिए अब हम देखते हैं कि DOL स्टार्टर के लाभ क्या है और उसकी हानियां क्या है, ठीक है। DOL स्टार्टर की वायरिंग करना आसान होती है, सिंपल वायरिंग होती है, ज़्यादा उसमें कोई टिपिकल चीज़ें नहीं होती। पहला, DOL स्टार्टर आपका मार्केट में सस्ता होता है, अवेलेबल नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की यदि उसमें समस्या आती है, मतलब फॉल्ट आता है, तो उसको नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कोई भी टिपिकल कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। और स्टार्टर शुरू होते ही 100% करंट दे देता है, जैसे मोटर को यदि स्पीड में घुमाना हो तो शुरू में उसको 100% करंट की जरूरत रहती है, ठीक है। तो DOL स्टार्टर मोटर को स्टार्टिंग में ही 100% करंट उसको दे देता है, जितना उसको घूमने के लिए क्या रहता है, जरूरी रहता है, ठीक है। हानि की बात करें तो क्या लिखा है, DOL स्टार्टर की स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है और स्टार्टिंग करंट कम
भी नहीं किया जा सकता। तो जब स्टार्टर को शुरू किया जाता है तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। इसका प्रभाव लाइन से जुड़े अदर उपकरणों में होता है। बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैंने वही बोला था कि जब मोटर को आप स्टार्ट करते हो तो अपने नॉर्मल करंट से 5 से 7 गुना करंट क्या लेता है, ज़्यादा लेता है, ठीक है, जिसके कारण आपका लाइन वोल्टेज क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और लाइन वोल्टेज डिस्टर्ब होता है तो उस लाइन से कितने भी इक्विपमेंट जुड़े हो, इक्विपमेंट क्या फॉल्ट होने का क्या रहता है, डर बना रहता है, ठीक है। बिना किसी लोड के ड्यूएल स्टार्टर की स्टार्टिंग वोल्टेज अधिक होती है, ठीक है, बढ़ जाती है, अधिक होती है। जहाँ पर अधिक वोल्टेज की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर वो अधिक काम करता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर आपकी वोल्टेज रेटिंग कम हो, जहाँ पर आपकी वोल्टेज रेटिंग कम हो वहाँ पर आप DOL स्टार्टर का यूज़ करोगे, इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। मतलब नॉर्मली 5 HP से कम मोटर हो तो आप DOL स्टार्टर यूज़ करोगे, और 5 HP से ज़्यादा मोटर हो तो आप वहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्या करोगे, यूज़ करोगे, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को और एक बार यदि समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।